सो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पीसीएस आर्किटेक्चर, यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम आर्किटेक्चर। बड़ा ही सिंपल आर्किटेक्चर है दोस्तों, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं समझने में, और मैं इसे और सिंपल बनाऊंगा। पहली बात तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं रेडियो नेटवर्क, दूसरा वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं वायरलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अभी हम लोग देखेंगे इन पार्ट्स में, इन नेटवर्क्स में क्या क्या एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके फीचर्स क्या है, ये सब कुछ अभी हम देखेंगे इन पीसीएस आर्किटेक्चर। लेट्स सी इन द रेडियो नेटवर्क। रेडियो नेटवर्क में सबसे पहले तो कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ, बेस स्टेशन, मोबाइल स्टेशन एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर। नाउ इनके रोल्स क्या है, सबसे पहले तो बेस स्टेशन और ये मोबाइल स्टेशन है। एमएस मतलब मोबाइल स्टेशन, मोबाइल स्टेशन मींस आपके मोबाइल फोन्स, आपके मोबाइल फोन्स को रेंज लगती है कि नहीं, कॉल करने के लिए, इंटरनेट को यूज करने के लिए सिग्नल्स लगते हैं ना, तो वो सिग्नल कौन देता है, बेस स्टेशन। आपका जो मोबाइल स्टेशन है हर वक्त किसी ना किसी बेस स्टेशन के कवरेज में होता है, क्योंकि ये उसको वो फैसिलिटी सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है। नाउ कमिंग टू दिस बीएससी, बेस स्टेशन कंट्रोलर, नाम से पता चल रहा है कि ये जितने भी उसके एरिया से रिलेटेड उसके जो भी बेस स्टेशन है उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किस बेस स्टेशन की एफिशिएंसी कम हो गई तो ऑब्वियसली इस मोबाइल स्टेशन को इनकन्वीनियंस होगी, तो ये बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या कर देगा, इस एमएस के लिए वो बेस स्टेशन स्विच कर देगा ताकि इस बंदे को इनकन्वीनियंस ना हो। तो इस तरीके से सारे के सारे जो भी बेस स्टेशन है उनको अगर कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज करना है, उनकी सिक्योरिटी देखनी है, डेटा फ्लो देखना है, कितना प्रेशर पड़ रहा है, क्या कोई बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ देखने की जिम्मेदारी है बेस स्टेशन कंट्रोलर की। ये तो हो गए इसके पार्ट्स। अभी आते हैं यहाँ पे वायरलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इसमें सबसे बाप वाला जो कंपोनेंट है वो है MSN, that is a mobile switching network. पहले जमाने में क्या होता था, आप किसी को कॉल लगाते थे तो एक इंटरमीडिएट बंदा फोन उठाता था और बोलता था आपको किसको कॉल कनेक्ट करना था, करना है, तो वो आप बोलते थे XYZ बंदे को कॉल लगा दे यार, तो वो लगा देता था आगे कॉल, उसको वायर के थ्रू उसको कॉल लगा देता और आप बात करते थे, लेकिन इंटरमीडिएट में वो बंदा आपकी बातें सुनता था। सो देयर वाज अ वेरी मच सिक्योरिटी इश्यू था उस वक्त तो। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी सब एडवांस हो गया, अभी सब टेक्नोलॉजी के हाथ में, इंटरमीडिएट बंदा हट गया और यहाँ पे आ गया MSN, मोबाइल स्विचिंग नेटवर्क। तो वो जो स्विचेस है ना कॉल के, वो करता है MSN। जब भी आप किसी को कॉल लगाते हो तो वो क्या करता है, MSN जिसको कॉल लगाया है, समझ लो आपने इस बंदे को कॉल लगाया, तो ये क्या करता है, उस बंदे का जो मोबाइल है वो किस बेस स्टेशन के कवरेज में है वो देखता है। कैसे देखता है, क्योंकि ऑब्वियसली MSN को बेस स्टेशन कनेक्टेड होता है, तो वो देखता है कि ये फोन किस बेस स्टेशन के कवरेज में है, और जैसे उसको पता चलता है इस बेस स्टेशन के कवरेज में, वो तुरंत वर्चुअल कनेक्शन बना के आपको उसके साथ बात करवा देता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी कम हो जाते हैं पहले के मुकाबले, और टेक्नोलॉजी भी आपकी एडवांस हो गई है। नाउ देयर कम्स द मोबाइल डेटाबेस। मोबाइल डेटाबेस, ये है आपका मोबाइल डेटाबेस। तो ये क्या करता है, आपके कितने यूजर्स हैं, आपके जितने सब्सक्रिप्शंस हैं, आपने कौन कौन से वाउचर्स लिए हैं, मतलब पूरी टोटल आपके जो यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी मोबाइल डेटाबेस में स्टोर होती है। आपने कौन से सब्सक्रिप्शन लिए हैं, ओके, जैसे कि अभी जियो के सब्सक्रिप्शन आते हैं, तो आपने कौन कौन से सब्सक्राइब किए हुए हैं ताकि हम आपको फैसिलिटी वो वाली प्रोवाइड कर सके, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मोबाइल डेटाबेस में स्टोर होती है। उसके बाद आता है PSTN, दैट इज पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो सारे लोग तो आजकल मतलब मोबाइल फोन यूज कर ही रहे, लेकिन टेलीफोन भी तो एक्सटिंक्ट नहीं हुए ना, टेलीफोन पे अभी भी यूज हो रहे हैं, तो टेलीफोन नेटवर्क के लिए भी हम लोगों ने कुछ जगह यहाँ पर रिजर्व रखी हुई है, दैट इज इन वायरलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो ये सिंपल सा बड़ा आर्किटेक्चर था, हर एक कंपोनेंट का आपको मैंने डिटेल में ब्रीफ डिटेल में आपको मैंने बता दिया कि एक एक फीचर क्या है, ये किस तरीके से कनेक्टेड है। कनेक्टेड इसलिए बताया ताकि आपको ये याद रहे कि अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो कौन कौन से जो चीजें हैं वो रोल में आती है, इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, ये मैंने आपको बताया। सो दिस वॉज अ सिंपल पीसीएस आर्किटेक्चर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।